हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी मैं लंच बना रही हूँ और लंच में मैं लेमन पुलाव बना रही हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कढ़ाई गरम कर लिया है और इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं डालना है। ये डाल दिया मैंने। तो फ्रेंड्स, अब रिफाइन ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये डालूंगी, दो बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, दो तीन लौंग है, थोड़ा सा दालचीनी है और जीरा है और ये सरसों है, ये डाल दूंगी मैं। उसके बाद दो सूखी लाल मिर्च और दो तेजपात, ये डाल दिया मैंने। उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी। ये प्याज है, ये मैंने चार छोटे छोटे प्याज काटे हैं। क्या, अब ये प्याज भून रहा है। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा मूंगफली डालूंगी, इतना सा। इसके साथ मूंगफली भी अच्छे से भुन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये प्याज भून रहा है। अब मैं इसमें, ये मैंने एक आलू काटा है, इसको पतले पतले स्लाइस में काटा है मैंने तरीके से, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें मैं आलू पकने के लिए थोड़ा सा नमक डालूंगी। तो फ्रेंड्स, अब देखिए ये प्याज और आलू अब भुन चुका है। अब इसमें मैं चावल डालूंगी। मैंने ये चावल लिया है, ये कच्चा चावल है। मैंने इस कप से 2 कप चावल लिया है और इसको मैंने धो दिया है। अब इसमें मैं चावल डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी रेसिपी है अगर आपको कुछ समझ में ना आए कि खाने में क्या बनाऊं तो आप इसे बना सकते हैं। ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे मैं कुछ देर हाई फ्लेम पर भूनूंगी ताकि चावल अच्छे से भून जाए। तो फ्रेंड्स, अब ये चावल भून चुका है। अब मैं इसमें एक पैकेट ये मैगी मसाला डाल दूंगी। मैगी मसाला आप अगर किसी भी चीज़ में डालिए, सब्जी, दाल या पुलाव, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैगी मसाले का। उसके बाद इसमें जितना भी नमक लगेगा स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। एक चम्मच में नमक डाल दे रही हूँ, एक चम्मच में शायद हो जाए। मैं इसे चला देती हूँ। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने इस कप से 2 कप चावल लिया था तो इसी कप से मैं 4 कप पानी इसमें डाल दूंगी। आपको जितना भी चावल लेना है, याद रखिएगा जितना हम चावल लेते हैं उसका दुगना हम पानी डालते हैं पुलाव बनाने के लिए। ये 4 कप पानी है, मैं इसे डालूंगी। ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें 1 नींबू का रस डालूंगी, पूरा 1 नींबू डालना है। इसमें नींबू डाल दिया है मैंने। अब इसे मैं फ्लेम बिल्कुल कम करके इसे मैं ढक दूंगी और ढक देने के बाद ये लगभग 10 मिनट में ये पूरा चावल पक जाएगा और पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें
तड़के के तड़का डालने वक्त कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये पुलाव आधा पक चुका है। अब मैं इसे एक बार इस तरह से पलट दूंगी ताकि ऊपर वाला भी जो है चावल वो भी पक जाए। इसे मैं फिर से ढक दूंगी, लगभग 5 मिनट और फिर ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पुलाव बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये पुलाव कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। हेलो फ्रेंड्स, ये पुलाव बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ कि ये कैसा बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें मैगी मसाले का टेस्ट और नींबू का खट्टापन, तो ये बहुत टेस्टी बना है। प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।